मेरा नाम है संजीता देवी, मेरे दो बच्चे हैं, मेरा गांव का नाम है भदास। मेरे बच्चे घर ही हुआ, मतलब पहला बच्चा घर ही हुआ 11:30 बजे रात को। मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं था, हॉस्पिटल पहले नहीं मतलब जानते उनते थे ना, इसी वजह से घर ही हुआ, मेरा बच्चा नुकसान हो गया। रात को 11:30 बजे जन्म हुआ और सुबह 7:30 बजे नुकसान हो गया। बच्चे का मृत्यु हुआ तो क्या महसूस होते हैं, मतलब मर गया तो क्या होगा, दिल छोड़ा छोटा हो गया, रोते थे और क्या हो? मतलब पहला डिलीवरी में कोई व्यवस्था नहीं था, इसी वजह से मेरा बच्चा नुकसान हो गया। हम टीका उका नहीं लगा पाते थे, इसी पहले टीका उका नहीं चलता था यहाँ, हमको हॉस्पिटल का नहीं उतना जनता था, इसी वजह से। बदलाव तो मतलब अब यही न हुआ कि आशा दीदी जब से बहाली हुई है, जब से मतलब अच्छे से सुई भी दिलवाते हैं, मतलब माँ का भी बच्चे का भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, अच्छे से टाइम पे दवा दिलाते हैं, जब दर्द उठते हैं तो टाइम पे वहाँ ले जाते हैं बच्चा मतलब निकासन करवाने के लिए। यही बदलाव हुआ, अब घर में बच्चा पैदा नहीं होते हैं। मेरे लड़की है, ये 4 महीने के, ये सोनाली। मतलब पहले तो पहला दूध का निचोड़ के मतलब फेंक दिया जाता था, अब आशा दीदी बताए कि पहला दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, तो हम दो बच्चे में ऐसी किए, पहला दूध बच्चे को पिलाए। पहला दूध मतलब पहले ना पिलाते थे ना, बोलते थे कि खराबी होंगे, इसीलिए चीनी का घोल पिलाते थे, जब दूध मतलब माँ को होते थे, जब निचोड़ के पहला दूध फेंक के फिर पिलाते थे। बच्चे के जन्म के बाद मतलब हम नहीं जानते थे कि चीनी पानी क्यों देते हैं, सब मतलब शुरू से देते थे, इसी वजह से हम भी अपने बच्चे को चीनी पानी पिलाए। बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जब से आशा दीदी आए मतलब भलाई करते हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, सबको, महिला के लिए। बच्चा बीमार पड़ते हैं तो पहले वहाँ आशा दीदी के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ आशा दीदी दवाई दिलवाते हैं, वहीं से मेरा बच्चा सुरक्षित होते हैं। मतलब महिला दीदी आशा होने के बाद यही है कि हमको जो अंदर का बीमारी है वो भी खुल के बताते हैं, पुरुष को तो नहीं बता पाते हैं, और महिला दीदी है ऐसा तो सब कुछ खुल के बता देते हैं, अंदर का बीमारी भी मतलब बताते हैं उनको, यही उनसे लाभ है। आशा दीदी सब कुछ बताए और जांच करवाने के लिए अब ले जाते हैं सब कुछ, अब आशा जब से बहाली हुआ सब चीज़ सुरक्षित होते हैं।